बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइस बॉन्ड के ऊपर ही है। प्राइस बॉन्ड की कीमत है वो जो है वो 1550 रुपये है, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि 1500 का प्राइस बॉन्ड जो है उसकी कुरानदादी कब कब होती है, ठीक है। उसके इनामात की तफसील मैं आपको जो है वो आज के इस लेक्चर में बताऊँगा। सबसे पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। उसके बाद हम आते हैं इस फाइल के ऊपर जिसमें ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। जैसे ये जो प्राइस बाउंड है इसकी जो मालियत है वो 1500 रुपये एक प्राइस बाउंड की कीमत है। आप जो है वो जितनी अमाउंट आपके पास पड़ी है उतनी अमाउंट के लिहाज से जो है वो ये प्राइस बाउंड ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट नाम आपको मिलेगा वो एक नाम निकलता है वो होता है 30 लाख रुपये का, और एक नंबर मैच करता है सिर्फ फर्स्ट नाम पे, और 30 लाख रुपये उसका फर्स्ट नाम होता है। उसके बाद सेकंड प्राइस जो है वो 3 निकलते हैं, 3 नंबर मैच होते हैं सेकंड प्राइस पे, तो वो 10-10 लाख रुपए के 3 नाम होते हैं। वो 3 नंबर आपके भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, किसी का एक हो सकता है, किसी के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लक है कि अगर आपकी लक मतलब अच्छी है, फर्स्ट प्राइज़ निकल जाता है, सेकेंड के 2 निकल जाते हैं, फिर एक फर्स्ट का निकल जाता है, तो वो आपकी लक पर डिपेंड करता है। तो मतलब इसमें फर्स्ट नाम जो है वो 30 लाख रुपए का, सेकंड प्राइस जो है वो 3 निकलेंगे 10-10 लाख के, 1696 इनाम जो हैं वो थर्ड प्राइस पे हैं। 1696 इनामों में आपको 18,500 जो है वो मिलेगा, और इसकी एक पूरी लिस्ट बन जाएगी बड़े से पेज पे, जो आपको ये नंबर जो कुरानदादी है देखने के लिए बाजार से मिल जाती है। तो वो जो लिस्ट होती है उसमें टोटल 1700 इनाम की तफसील दी होती है। 1700 में एक पहला इनाम होता है 30 लाख का, 3 दूसरे नंबर वाले इनाम होते हैं 10-10 लाख के, और 1696 इनाम होते हैं 18,500 के। इस तरह टोटल मिला के इनाम आपके 1700 बन जाते हैं, और ये जो रकम बनती है वो 3,73,76,000 रुपये बनती है, जो हर 3 माह बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुरानदादी की मद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पब्लिक को। अब बात करते हैं इसकी कुरानदादी कब कब होगी। 15 तारीख जो है वो महीने की हर 15 तारीख को होती है इसकी कुरानदादी। महीने कौन कौन से होंगे, फरवरी की 15 तारीख को इसकी कुरानदादी होगी हर साल, मई की 15 तारीख को इसकी कुरानदादी होगी हर साल, अगस्त की 15 तारीख को इसकी कुरानदादी होगी हर साल, और नवंबर की 15 तारीख को इसकी कुरानदादी होती है हर साल। तो यानी एक साल में 4 दफ़ा इस प्राइस बाउंड की कुरानदादी होगी, ठीक है। और फर्स्ट नाम 30 लाख रुपए, सेकंड नाम में 3 नाम आपके निकल सकते हैं वो 10-10 लाख के होंगे, और फिर 1696 नाम जो है वो 18,500 के निकलेंगे, और टोटल 1700 नाम की एक लिस्ट जो है वो बाज़ार से मिल जाती है। आप इसको जो है वो नेट से भी अपने नंबर जो है उस लिस्ट से मैच कर सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूँ, 100 और 1500, ये जो 100 वाले प्राइस बाउंड है और 1500 वाले प्राइस बाउंड है, इनकी कुरानदादी सेम एक ही माह में होती है और 15 तारीख को ही होती है। यानी 100 वाला भी 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर को उसकी कुरानदादी होती है। 1500 वाले प्राइस बाउंड की भी 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर को इसकी कुरानदादी होती है हर साल। एक साल में 3-4 दफ़ा इसकी कुरानदादी होती है, 3 माह बाद इसकी कुरानदादी होनी होती है। अगर आप इसको ऐसे मतलब आप अपनी लक को चेक करना चाह रहे हैं तो आप इनकी जो है वो लिस्ट चेक कर लें, आपके नंबर मैच करते हैं तो आपको ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आपका नंबर मैच नहीं करता तो आपके प्राइस बाउंड उतनी ही वैल्यू में दोबारा, आप उतनी ही मालियत में दोबारा उनको बैंक में सेल कर सकते हैं, बाहर जो है वो मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कुरानदादी के करीब जा कर सेल करते हैं तभी आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट दे देता है, फिर उसमें आपका रिस्क नहीं रहता। आप कुरानदादी से कुछ दिन पहले जो है वो अपना प्रॉफिट लेके इन प्राइस बॉन्ड्स को जो है वो मार्केट में सेल कर देते हैं, और वो भी आपको अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने में मदद देते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपको एक ज़्यादा मिकदार में ये प्राइस बॉन्ड ख़रीदने चाहिए, और ये तकरीबन जो है वो हर 15 दिन बाद इनकी कुरानदादी होती है। 8 प्राइस बॉन्ड है, हर 15 दिन बाद एक प्राइस बॉन्ड की कुरानदादी लाजमी होती है। अगर सारे प्राइस बॉन्ड आप ख़रीद लेते हैं तो आपको ना कुरानदादी देखते रहें या फिर उसको वक्तन जो है वो मार्केट में सेल करते रहें कुरानदादी से पहले, तब भी आप प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो 1500 प्राइस बॉन्ड के ऊपर मैंने आपको मालूम दी। आई होप कि आपको वो सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उससे उस पर मेरे से मालूम दे सकते हैं। और इसके अलावा भी आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर प्राइस बॉन्ड के सेक्शन को खोलें, उसमें जो है वो मुख्तलिफ लिंक दिए हों, ड्रा रिज़ल्ट यानी कुरानदादियों जितनी भी उनके रिज़ल्ट और जो होनी है उनके भी नेक्स्ट रिज़ल्ट वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। आप 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की फ़ीचर्स यानी आपको
कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्राइज बोर्ड असली है कि ये वाला नकली है, वो भी वहाँ पे आपको सारी मालूमात जो है वो दी होती है। मैंने पहले 3 लेक्चर्स में वो सारी मालूमात आपको डिलीवर की है, की फ़ीचर्स इसके भी वही हैं, सिक्योरिटी फ़ीचर्स इसके भी वही हैं, मतलब ये है कि इसके जो है सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैक से भी आपको वैसे ही लिखा नज़र आएगा। इसके जो नंबर होंगे 6 डिजिट वो जो है वो आप बैक साइड से देखेंगे तो वो रेड कलर के नज़र आएंगे, वाइट कलर की बाउंड्री सब में नज़र आएगी, ठीक है। बॉर्डर में जो है वो रात 1500 लिखा नज़र आएगा बॉर्डर के सेंटर में। तो ये इसके जो है वो सम सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है असली, ये वाला नकली है। तो आई होप आपको सारा कुछ पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट आने वाली वीडियो ताकि आपको आसानी से मिल सकें। आज के लिए इतना ही, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।